साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य प्रयोग बता रहा हूं। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी बड़ी परेशानी से मुक्ति के लिए या फिर कोई बड़ी मनोकामना है, सिर्फ 3 दिन का बिना खर्चे का छोटा सा उपाय है, बहुत ही आजमाया हुआ प्रयोग है। इससे दोस्तों आपके शनि बैलेंस होंगे, मंगल आपके बैलेंस होंगे और साथ में शनि से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपको चल रही है वो तो आपकी दूर होगी। शनि जब दोस्तों परेशान करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की जिंदगी में कर्ज बढ़ जाता है। यदि आपके जिंदगी में कर्ज बहुत ज्यादा है, शत्रु ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, संघर्ष ज्यादा है, तो ये छोटा सा प्रयोग आप आजमा करके देखिए। ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आपकी जिंदगी में मैं गारंटी लेता हूं कि सौभाग्य आपके मतलब सौभाग्य वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। जो भी काम आप सोचेंगे वो काम में आपको सफलता मिलेगी। काफी मैंने कमेंट्स देखे हुए हैं कि सर हमारा व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चे गलत संगति में पड़ रहे हैं या फिर घर में धन की बरकत नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है। तो मतलब देखिए इस प्रयोग को, ये कहा जाए तो ऑलराउंडर है, हर चीज के लिए इस प्रयोग को किया जाता है। अगर आप इस प्रयोग को नॉर्मली करते हैं तो आपकी धन संबंधित परेशानी दूर होगी, कर्ज की समस्या दूर होगी और या फिर कोई मनोकामना है आपकी तो उस मनोकामना को मन में रखते हुए शनिवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 3 कोरे दिए आप ले लेना, क्योंकि शनिवार से स्टार्ट करेंगे, 3 दिन कंटिन्यू इस प्रयोग को आप करेंगे, ठीक है। आप 3 कोरे दिए ले लें जो यूज ना किए हों और आपके हाथ के बराबर, सीधे हाथ के बराबर 3 काले धागे ले लें और 1 3 काजल की डिब्बी ले लें, ठीक है। छोटी छोटी सी डिब्बियां ले लें, मार्केट में मिल जाती हैं। बना हुआ काजल लेना है, ठीक है, पेंसिल वाला काजल यूज ना करें। बस ये 3 चीज आपको जरूरत पड़ेंगी और शनिवार की रात्रि में आपको उसको प्रयोग को करना है। प्रयोग दोस्तों जिस दिन करेंगे उस दिन आप नॉनवेज, ड्रिंक, एल्कोहल इन चीजों को अवॉइड करेंगे और कोई स्टोन वगैरह पहना हुआ है तो उसको उतार देंगे। महिलाएं यदि कर रही हैं तो अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे और किसी भी शनिवार से 3 दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। और अगर हर महीने में अगर 3 दिन इस प्रयोग को करते रहेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पैसे जो हैं बहुत ही भरपूर मात्रा में आना शुरू हो जाएंगे। यदि कर्ज आपको बहुत ज्यादा है तो हर महीने इस प्रयोग को करिए। शनि से संबंधित कोई परेशानी है वो तो आपकी दूर होगी और यहां पर मंगल कर्ज की समस्या या धन की समस्या 2 ग्रहों के कारण होती है, एक तो मंगल और दूसरे शनि। अगर ये दोनों अगर किसी पर बिगड़ते हैं तो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला सामने आता है, भूमि भवन संबंधित मामला सामने आता है, शत्रु बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है। तो ये प्रयोग दोस्तों आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देगा। तो करना क्या है दोस्तों आपको, शनिवार के दिन सूर्य अस्त, पहले आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, वैसे काफी मैंने कमेंट्स देखे हैं कि सर हम फॉरेन में रहते हैं तो काफी मैंने ऐसे प्रयोग बताए तो काफी लोगों ने कहा कि हमारे पास में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, ये चीजें नहीं है। तो आपको मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस भी क्षेत्र में रहते हैं तो सनसेट देख लें पहले कि सूर्य अस्त किस टाइम पे हो रहा है, और सूर्य अगर 6:10 में अगर अस्त हो रहा है तो उसी टाइम पे आपको इस प्रयोग को शुरू करना है। गूगल में सर्च कर लें कि सूर्य अस्त इस टाइम पे हो रहा है तो जस्ट उस पहले पूरी तैयारी कर लें सामान की। देखिए सूर्य अस्त से पहले अगर आप नहा लेते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो स्वच्छ कपड़े पहन लें। अगर दिन में नहाया हुआ है तो स्वच्छ कपड़े पहन लें और घर के पश्चिम दिशा में, अपने घर के पश्चिम दिशा में आपको बैठ जाना है। सामने एक पटा लगा लें और उसमें एक कपड़ा बिछा लें, नीचे आसन लगा लें और उसमें आप एक दिया रखें, मिट्टी का कोरा दिया, यूज किया हुआ ना हो। थोड़ा सा काजल निकाल करके उस मिट्टी के दिए में आपको रख देना है, थोड़ा सा काजल निकाल के मिट्टी के दिए में, और जो धागा आपने लिया हुआ है वो धागा भी आपको उसी में डाल देना है। प्रयोग दोस्तों आपको सूरज ढलने के बाद शनिवार के दिन में करना है, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एजस नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूं आपके काम की हो तो आपसे मिस ना हो, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाए। और यदि आप लोगों ने काफी उपाय कर लिए हैं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें, क्योंकि बर्थ चार्ट यदि बैलेंस होता है या कोई प्लैनेट अनबैलेंस होता है तो उसके कारण कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती जब तक उस प्लैनेट को बैलेंस ना किया जाए। तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आप 7 से 11-21 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। और दोस्तों राहु को देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी आती है अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु अनबैलेंस है, और राहु को यदि आप बैलेंस कर ले 95% तक प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सब कुछ आना शुरू हो जाता है, जो भी परेशानियां होती हैं सारी की सारी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हमारे द्वारा दोस्तों शाबर मंत्रों के द्वारा राहु की 18 दिन की विशेष पूजा की जाती है। शाबर मंत्रों के द्वारा आपके बर्थ चार्ट में आपका नाम, माता पिता का नाम, फोटो और दादाजी का नाम, संकल्प द्वारा आपके बर्थ चार्ट में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है। शाबर मंत्र तुरंत में एक्टिव होकर के रिजल्ट दिखाते हैं, 18 दिन में आपको अमेजिंग चेंजेस दिखाई देंगे। ये विशेष पूजा बुकिंग करानी है तो आप व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, घर के पश्चिम दिशा में आप बैठ जाएंगे, एक दिया रखेंगे सामने, थोड़ा सा उसमें काजल डाल देंगे, आप उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लकड़ी से भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा काजल दिए में डाल देंगे। उसके बाद मुझे काला धागा लिया था, एक दिया जरूर जलाए, ठीक है। सरसों के तेल का दिया भी जलाना है आपको, लेटी हुई बाती का, और बाती का मुंह पश्चिम तरफ रहेगा, आपका मुंह भी पश्चिम तरफ रहेगा। दिए के ऊपर आपको डाल देना है धागा, पहले आपने दिया रखा, दिए के ऊपर काजल, और दिए को पहले जब लाएंगे तो पहले स्वच्छ जल से साफ कर लें, गौमूत्र से साफ कर लें, या कच्चे दूध से साफ कर लें, या गंगा जल से साफ कर लें, उसके बाद में ही दिया को यूज करना है। जितनी पवित्रता रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दिए में आपको काजल डाल देना है, काजल के बाद उसमें धागा डाल देना है, धागा डालने के बाद में आपको हाथ जोड़ करके सबसे पहले महादेव का ध्यान करना है, ठीक है। महादेव का ध्यान करेंगे और उसके बाद में शनिदेव का ध्यान करेंगे। अब यहां पर आपको अपनी परेशानी बोलनी है, प्रार्थना करनी है कि आपकी ये परेशानी दूर हो। अब आपकी कर्ज की हो सकती है, आपकी धन संबंधित परेशानी हो सकती है, ए टू जेड जो भी आपकी परेशानी है, शनिदेव से महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये परेशानी दूर हो, या कोई विशेष मनोकामना है तो वो मनोकामना आपकी पूर्ति हो, ये आपको प्रार्थना करनी है। अब उसके बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट पूरी भावनाओं के साथ में, ठीक है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप, उसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः, मतलब एक बार ओम नमः शिवाय, एक बार ओम शम शनिश्चराय नमः, कम से कम 10 से 15 मिनट इस मंत्र का जाप करेंगे। लेकिन सिर्फ बुदबुदाना नहीं है, मंत्र आपको भावनाओं के साथ में पढ़ना है, अपनी फीलिंग्स के साथ में, और जो आपकी मतलब की भावना, जो आपके विशेष है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी परेशानी है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि मेरी ये परेशानी मेरी लाइफ से जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का कंटिन्यू आप जाप करते रहेंगे। उसके बाद में इस दिए को उठा करके रात्रि में आपको अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है, ठीक है। आपने तकिए के नीचे रख लिया, शनिवार की रात्रि में आपने किया, आप रविवार को सुबह जब उठते हैं तो बासी मुंह यानी कि बिना नहाए धोए इसको दिए को उठा करके, और आपको अपने घर की पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ना है। पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, अब पश्चिम दिशा में कहीं भी आपको यदि पीपल का वृक्ष मिल जाता है तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपकी 100 में से 1000% परेशानी दूर हो जाएगी। अब यदि पीपल वृक्ष नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी छायादार वृक्ष हो उसके नीचे इसको आपको रख देना है, ठीक है। अगर पीपल वृक्ष मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई भी छायादार वृक्ष होगा उसके नीचे इसको रख करके बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाएंगे। अब ये एक दिन का प्रयोग हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरे दिन क्या करेंगे, फिर से यही प्रयोग आपको दोहराना है। वैसे आपको धागा लेना है, आपको दिया लेना है, दिया को स्वच्छ करके उसमें आपको काजल डालना है, धागा डाल देना है, जैसे पहले दिन प्रयोग किया था वही प्रयोग दूसरे दिन करेंगे। रविवार की रात्रि में रखेंगे, सोमवार की
सुबह फिर से उसको वहीं रख करके आ जाएंगे, और फिर सोमवार क्यों करेंगे तो फिर आपको मंगलवार को, यानी 3 दिन कंटिन्यूस प्रयोग आपको करना है। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना थी, जो भी परेशानी थी, उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी तमाम प्रकार की तकलीफें दूर हो जाएंगी। वैसे ज्योतिष शास्त्र में इसको 3 महीने कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है कि 1 महीने में एक बार आपने कर लिया, फिर दूसरे महीने में 2 बार कर लिया, तीसरे महीने में 3 बार कर लिया। 3 बार यदि इस प्रयोग को आपने दोहरा दिया तो पहाड़ जैसी परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। आजमा करके देखिए दोस्तों, कोई इसमें ज्यादा आपका खर्चा नहीं लगना है, बस थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट का समय देना है, ठीक है। अब अपने आपको थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे पाएंगे तो फिर दोस्तों परेशानी से मुक्ति कैसे पाएंगे, तो इसलिए पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आप 3 दिन कंटिन्यू करके देखिए, ठीक है। लाभ की गारंटी है कि 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा इसका। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां सब लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, शेयर करने में कोई खर्चा नहीं लगना है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में जितने लोगों को आप जानकारी शेयर करेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग देंगे, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और राहु की विशेष पूजा है, अगर उसे बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।